हाय गर्ल्स, बगरू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज हम शुरू करेंगे अपना एक जूलॉजी का लेक्चरर है, बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी का लेक्चरर है। अपनी बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी संरचना एवं कार्य। उस बुक का अपना टॉपिक है वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश यानी जो तारामीन होता है, स्टारफिश होती है, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार से वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, किस प्रकार से वो जल को अंदर लेती है, उसको एब्जॉर्ब करती है जल को, उसको कैसे बाहर सेक्रेशन करती है, बाहर निकालती है, ठीक है। तो वाटर वैस्कुलर किस प्रकार से उसके अंदर बैटर वाटर है जो सर्कुलेट करता है, क्योंकि स्टारफिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, वो पानी के अंदर ही जीव रहती है। तो उसके अंदर अगर पानी के अंदर रहेगी तो उसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही चलेगा, क्योंकि पानी को ही एब्जॉर्ब करेगी और उसी को बाहर निकालेगी, ठीक है। तो आज हम इसको इसका अपना टॉपिक क्या है कि हमको क्या करना है, जो स्टारफिश है उसको अंदर वाटर कैसे लेती है, कैसे एब्जॉर्ब करती है, वो कैसे सर्कुलेट होता है, वो सारा सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं, मैं सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से कि इसके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस प्रकार से होता है। स्टारफिश ऐसी होती है जिसके पांच पैर या पांच भुजाएं होती हैं, ठीक है, बीच के अंदर एक वलय होती है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टारफिश होती है वो पंचभुजी होती है। कैसी होती है? पंचभुजे यानी षटकोणीय होती है, सॉरी पंचकोणीय होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? रिंग कैनाल। सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मैड्रीपोरेट, जिसको क्या बोलते हैं, मैड्रीपोरेट। सबसे फर्स्ट पार्ट है कौन सा, सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टारफिश का, जहाँ से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो स्टारफिश के लिए क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो स्टारफिश के आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसे होती है। स्टारफिश नॉर्मली ऐसी होती है, तो यहाँ एक ऐसा अपने को बाहर से देखेंगे तब ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, मैड्रीपोरेट। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये कैसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, छिद्र होता है जिसके बाहर चारों तरफ क्या होती है, छिद्र नलिकाएं होती है, पार्ट होते हैं, सेपरेट होता है। इनके अंदर ये दिख रहा है आपको रेस 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 रेस, मतलब ये क्या है, अलग अलग गुहाएं पाई जाती है, रेस पाई जाती है, ठीक है। उसी से जुड़ी होती है स्टोन कैनाल, उसी से क्या जुड़ी होती है, स्टोन कैनाल। ये एक लंबी स्टोन एक कैनाल होती है जो किससे आके जुड़ती है, रिंग कैनाल से, जो किससे आकर जुड़ती है, रिंग कैनाल से, जो वाटर होता है जो मैड्रीपोरेट के थ्रू अंदर आता है। और स्टोन कैनाल क्या करती है, मैड्रीपोरेट के थ्रू जो अंदर आया हुआ वाटर है उसको कहाँ लाती है, रिंग कैनाल के अंदर, उसको कहाँ लाती है, रिंग कैनाल के अंदर। रिंग क्या, रिंग कैनाल क्या होती है, पंचभुजी स्ट्रक्चर होती है, पाँच भुजाएँ होती हैं उसके अंदर, ठीक है, इन्हीं पाँच भुजाओं से, ठीक है, क्या निकली रहती है, रेडियल कैनाल। इन्हीं पाँच भुजाओं से क्या निकली रहती है, रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल निकली हुई होती है क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑल ऑफ पूरी बॉडी में ऐसे रहता है स्टारफिश की, ये भी तो पार्ट्स है, इसके पैर इसकी भुजाएं भी तो स्टारफिश की पार्ट्स है। तो जो रिंग कैनाल है वो वाटर को कहाँ भेजती है, रेडियल कैनाल के अंदर, कहाँ भेजती है, रेडियल कैनाल के अंदर। पंचभुजी होती है तो पाँच भुजाएं इसकी होती है, तो ये कहाँ भेजती है, रेडियल कैनाल के अंदर, ठीक है। रेडियल कैनाल की क्या होती है, पार्श्व शाखाएं निकली होती है जिनको बोलते हैं लैटरल कैनाल, उनको क्या बोलते हैं, लैटरल कैनाल। इन लैटरल कैनाल पर ही क्या लगे हुए होते हैं, एम्बुला, ठीक है, यानी पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉडियम एम्बुला। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉडियम एम्बुला, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्बुला। मीडिएट पार्ट को क्या बोलते हैं, पोडियम। और जो नीचे लास्ट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सूकर। तो इस प्रकार से मिलकर क्या मिलती है, पूरी स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं पोडियम एम्बुला, ठीक है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पोडियम एम्बुला। ये पूरी स्ट्रक्चर ऑल ओवर सारे स्टारफिश के अंदर होती है, ठीक है, ऑल ओवर सारे स्टारफिश के अंदर होती है। इन्हीं के बीच में, ठीक है, इसका मैं काम बताऊँगी, काम क्या है, वाटर आता है उसके बाद क्या करते हैं, मैं पहले आपको मोटी मोटी स्ट्रक्चर बता दूँगी, ठीक है। उसके बीच में क्या बोलते हैं, पोलर वेसिकल पाई जाती है, ठीक है, ये भी क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। उसको शिराओं की वजह से हम क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट होती है, ठीक है, जैसे हम वाटर लेते हैं फूलती है, सॉरी जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं फूलती है, जैसे हम ऑक्सीजन बाहर सॉरी CO2 बाहर रिलीज करते हैं तो सिकुड़ जाती है, वैसे ही ये होती है, और ये भी इसी तरह होती है, ठीक है।
इनको क्या बोलेंगे, पॉलियर वेसिकल्स, ठीक है। उसके अलावा इनके बीच बीच में जो रिंग कैना है उसके बीच बीच में छह से ज्यादा क्या पाई जाती है, टैडमास नोडी। टैडमा ने इनकी खेज की थी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को जो डिटेल से बताया था, यानी इकाइनोडर्मेटा की स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म सारी किसने बताई थी, एम टैडमान ने बताई थी। इसलिए इसका नाम, इनकी खोज भी किसने की थी, टैडमान ने की थी, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, टैडमास बॉडी, ठीक है। ऑल ओवर ये स्टारफिश की स्ट्रक्चर है। तो हम शुरू करते हैं, कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, कहाँ से इसका पूरे में फैलेगा और कैसे स्टारफिश आगे गमन करेगा, क्योंकि वाटर से, वाटर के थ्रू ही वो आगे, जब पानी में रहता है तो पानी में आगे स्टारफिश गमन कैसे करती है, चिपक चिपक के, जैसे यहाँ है तो यहाँ से उधर के इधर चिपके कि फिर यहाँ से उधर के इधर, सरफेस चाहिए इसको, ऐसे पानी में तैरती नहीं है, एक सरफेस के थ्रू चिपकी हुई रहती है और वहीं पर गमन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैड्रीपोरेट के अंदर पानी आएगा, मैड्रीपोरेट से वाटर स्टोन सेल के थ्रू, स्टोन कैनाल के थ्रू कहाँ आएगा, रिंग कैनाल के अंदर आएगा। रिंग कैनाल इसे रेडियल कैनाल के अंदर ट्रांसफर करेगी। रेडियल कैनाल में क्या पाई जाती है, एक पोडियम एम्पुला की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जो हमारी किडनी की शेप की जैसी होती है, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है वैसे इसकी शेप होती है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को एम्पुला कहते हैं, बीच वाले पार्ट को पोडियम कहते हैं, लास्ट वाले पार्ट को शुक्र कहते हैं। तो ये क्या करती है, जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं वो फूलता है, तो वाटर जिसके जैसे इसके अंदर आएगा ये क्या करेगा, फूलेगा। जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे तो फूलेगा, वैसे ही क्या आएगा, जैसे ही इसके अंदर हवा भरेंगे हम ये फूल जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर जाएगा वैसे ही ये फूल जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर से वाटर निकलेगा वापस से इसके थ्रू, सूकर के थ्रू निकलेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो गुब्बारा है, मैंने हवा भरी, पहले तो ये फूल गया, जैसे मैंने हवा निकाली ये पिचक गया। वैसे ही हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने देखी है वो गुले जैसे छोड़ने वाली होती है, जिसके आगे क्या है, चिपकने वाला होता है, जैसे हम उसको दीवार पे ठोकते हैं वो चिपक जाता है, ठीक है। वैसे ही स्टारफिश गमन करती है, उसको पिचकाएंगे और उसको दीवार पे छोड़ेंगे तो वो ऐसे ऐसे छोड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमको खींचेंगे तो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी जो हवा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। पिचकाया, ठीक है, पिचकाया उसको, जैसे ही क्या करती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ने के बाद जैसे ही वाटर आता है ये सरफेस टाइट कर लेती है, ठीक है। जैसे ही वाटर रिलीज करेगी सरफेस वापस से लूज कर देगी सरफेस, ठीक है, वैसे ही वापस कैसे कर देगी, लूज कर देगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको मैं क्या करती हूँ, मतलब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, वो रबर बैंड जैसा होता है, उसको जैसे हम पिचकाते हैं और किसी सरफेस पे छोड़ते हैं ऐसे, तो वो चिपका का चिपका रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जैसे एयर एयर अंदर उसके अंदर टाइटली फिक्स हो गई, वैसे इसके अंदर क्या, वाटर टाइटली फिक्स हो गया तो सरफेस पर ऐसा कैसा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपना वाटर रिलीज करेगी वैसे जैसे हम चिपके हुए को वापस से खींचेंगे तो उसके अंदर क्या निकल जाएगी, एयर थी वो प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाएगी, वैसे इसमें वाटर प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो ये फिर वापस उस सरफेस को छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। स्टारफिश कैसे गमन करती है, ऐसे लुढ़कते हुए, ठीक है, घूमते हुए गमन करती है, ये वाटर को लेती है, ठीक है, उसको लेते ही वाटर को फूल जाती है, सरफेस पर टाइट होती रहती है, जैसे ही वाटर बाहर निकलता है लूज हो जाती है, सरफेस पर ढीला पड़ पड़ जाता है, ये वापस से आगे खिसक जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये ओवरऑल क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम और स्टारफिश के अंदर ये पूरा ओवरऑल वाटर सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मैड्रीपोरेट होता है जो पहले के रूप में होता है, उससे स्टोन कैनाल जुड़ी हुई होती है जो एक रिंग के थ्रू होती है, जो आगे किससे मिलती है, रिंग कैनाल से मिलती है। रिंग कैनाल क्या होती है, पंचकोणीय भुजाएं होती है जिसकी पांच भुजाएं निकली होती है। इन पांचों भुजाओं को क्या बोलते हैं, लैटरल, सॉरी रेडियल कैनाल बोलते हैं। रेडियल कैनाल से जो और पार्श्व शाखाएं निकली होती हैं जिन पर क्या लगे होते हैं, एम्पुला पोडियम निकले होते हैं। ओवरऑल सारे पे क्या लगे हुए होते हैं, ये ऐसे एम्पुला पोडियम लगे होते हैं जिन पे लैटरल कैनाल पे लगे होते हैं। ये एम्पुला पोडियम क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं रिलीज करते हैं। इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, पोलियम वेसिकल्स पाए जाते हैं, काम कुछ नहीं होता लेकिन अब से प्रेजेंट होते हैं पाँच से लेकर एक से लेकर पाँच की संख्या में। उसी प्रकार जो टैडमास बॉडी है इसमें छह पार्ट्स में डिवाइड उपस्थित होती है। ये टैडमास बॉडी क्यों बनती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है वाटर में पाई जाती है, सरफेस पे चिपकती है, चूने की चट्टानों पर चिपकती है,
उसमें क्या है, चूना चिपकता चिपकता हुआ जाता है और टैगमास बॉडी का फॉर्मेशन करता है, काम कुछ नहीं है, इसलिए इसको पत्थर भी बोल सकते हैं, सॉरी पत्थर फिश, इसको शायद पत्थर मीन भी बोलते हैं शायद, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मुझे पता है वाटर स्टोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका काम कुछ नहीं है, बस एक किसके रूप में हो गया, तो चूना होता है वो यहाँ धीरे 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 जमा होता रहता है, ठीक है, बाहर से देखने पर भी दिखाई देगी, चूना धीरे धीरे जमा होता जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, टैडमास बॉडी। तो ये ओवरऑल सारी स्ट्रक्चर है किसकी, स्टारफिश की, वाटर लेना, वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस प्रकार से वाटर सरफेस करता है इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले टैडमास के अंदर, दूसरा पार्ट वाटर कैनाल, सॉरी स्टोन कैनाल के अंदर, थर्ड पार्ट रिंग कैनाल के अंदर, फोर्थ पार्ट रेडियल कैनाल से किसके अंदर, लैटर कैनाल से, लैटर कैनाल के बाद में किस में आता है, ओवरऑल इस फिफ्थ पार्ट के अंदर आता है, जिससे क्या होता है वाटर अब्जॉर्ब करके जैसे पीछे का वाटर रिलीज हो जाएगा, वापस इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ये क्या हमारे जूलॉजी का टॉपिक था, जैसे हमारी वो बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, इसी बुक का ये टॉपिक है। तो ये क्या है, अपना एक टॉपिक है, डायग्राम के थ्रू ही हमें एग्जाम के अंदर इसको समझाना है, बस क्या जैसा मैंने बोला उसकी थ्योरी उसके साथ ही लिखती हुई जानी है, ठीक है। जैसे मेट्रिपोलेट स्टोन के नाम, मतलब लाइन वाइज से पॉइंट बना बना के हमने इसको पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।